हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके जनरल साइंस है। आई होप कि सब लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चलिए अब बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, रक्त का कैंसर ये भी है कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाता है? यहाँ पे दिया गया है ब्लड कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ई दे ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी दिया गया सार्कोमा, ऑप्शन सी दिया कार्सिनोमा, ऑप्शन डी दिया गया एम्फासेमा। ठीक है, तो देखिए ब्लड कैंसर क्या कहा जाता है, पर ल्यूकेमिया कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन फर्स्ट का, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन उसके मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ठीक है? द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन ए दिया गया पित्त जिसे बाइल बोला जाता है, ऑप्शन बी दे लसिका लिम, ऑप्शन सी दे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी दे यूरोक्रोम। तो देखिए जब मूत्र का पीला रंग होता है ना, तो ये आपका यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, पीला रंग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, ठीक है? हाउ मेनी टीथ ग्रो ट्वाइस इन अ ह्यूमंस लाइफ टाइम, ऑप्शन ए दिया गया 4, ऑप्शन बी दिया 12, ऑप्शन सी दिया 20, ऑप्शन डी दिया गया 28। तो देखिए कितने होते हैं, 22, सॉरी 20 होते, ठीक है? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत आपका निकलते हैं, तो ये 20 निकलते हैं। कैसे? एक बार आपका परमानेंट, एक बार आपका टेम्पोररी टीथ निकलता है जो आप दूध के दांत बोलते हैं मिल्क टीथ, और एक आपका परमानेंट टीथ निकलता है, ठीक है? तो मिल्क टीथ जो होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं 20 दांत होते हैं, और इसमें भी आपका 20 होते हैं, प्लस यहाँ पे 32 हो जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे प्री मोलर आपका जो होता है अपसेंट रहता है, प्री मोलर अचवर्ण, ठीक है? तो यही आपका जो जब परमानेंट टीथ आती है, तो यहाँ पे आपका 32, यहाँ पे 12 आके एड हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है, विच आर्गन ऑब्जर्व द टॉक्सिन प्रेजेंट इन द डाइजेस्ट फूड, ऑप्शन ए दिया गया आपका अमाशय स्टमक, ऑप्शन बी दिया अग्नाशय पैनक्रियास, ऑप्शन डी सी दिया गया किडनी, ऑप्शन डी दिया है लीवर। तो देखिए लीवर तो नहीं होता यहाँ पे, और यहाँ पे दिया गया पैनक्रियास भी नहीं होगा, अमाशय भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, किडनी, ठीक है? बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस के द्वारा पूछा गया। कलरा, कलरा जो होता है आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है, डिप्थीरिया यहाँ पे दिया गया, तो ये भी आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऊफिंग कफ जो होता है ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है, लेकिन आपका जो मिजलस होता है ना, आपका ये छोटे बच्चों में जो वैक्सीन दिया जाता है टीटी की, तो ये आपका दिया जाता है डीटीटी की दिया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर, मिजलस, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमाव होने से थकान महसूस होती है, ठीक है? जब हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जब हम कौन सा अम्ल जो होता है जमा हो जाता है, तो हमारी मांसपेशियां होती है उसमें थका हमें थकावट महसूस होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ द वीच एसिड इन द मसल्स कॉजेस फैटिंग, ठीक है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी दिया गया यूरिक एसिड, देखिए यूरिक एसिड नहीं होता है, साइट्रिक एसिड जो होता है, तो ये आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। पायरुविक एसिड जो होता है हमारा कब होता है, रिस्पायरेशन के टाइम होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है जो आपका दूध में पाया जाता है, तो यही हमारे मसल्स में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, जिससे क्या होता है जब हम ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा हम दौड़ देते हैं, रनिंग करते हैं या बैठे रहते हैं, तो हमारे मसल्स में क्या होती है, मांसपेशियों में वहां पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है, ठीक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन ए दिया गया आपका यहाँ पे, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन ए एनाबिना, ऑप्शन बी नॉस्टॉक, ऑप्शन सी दिया गया एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी सीडोमोनास। देखिए सीडोमोनास जो होता है आपका क्या होता है, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बढ़ती हुई आयु के साथ निम्न में से कौन से हार्मोन का स्रावण घटकर आधा रह जाता है, ठीक है? यहाँ पे देख, विद इंक्रीजिंग एज द सेक्रेशन ऑफ विच द फॉलोइंग हार्मोन्स डिक्रीज ऑफ हॉप, GTH, ऑप्शन बी दिया मेलाटोनिन, ऑप्शन सी दिया गया आपका HCG, ऑप्शन डी दिया एस्ट्रोजन। ये आपका क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है? जब हमारी आयु बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसमें हमारी जो हार्मोन्स होती है आपका कम हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो
वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वॉटर यूजुअली प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा? ऑप्शन ए दिया है 60 से लेकर 60%, 64%, ऑप्शन बी दिया 70 to 75%, ऑप्शन सी दिया 80 to 82%, ऑप्शन ए दिया 91 से लेकर 92%। देखिए अगर प्लाज्मा में बात करें तो ये आपका होता है 60 से लेकर 64 तक, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? विच टाइप ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स इज मोर इन ह्यूमन ब्लड? यहाँ पे दिया गया है इओसिनोफिल्स, ऑप्शन बी दिया बैसोफिल्स, ऑप्शन सी दिया गया लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी दिया गया आपका न्यूट्रोफिल। तो सबसे ज्यादा जो होती है आपका तो यहाँ पे जो होता है लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि चूहे में दोनों अंडाशय काटकर अलग कर दिए जाए तो रुधिर में किस हार्मोन की कमी हो जाएगी? ठीक है, इफ बोथ द वेरियस सॉरी इफ बोथ द ओवरीज आर कट एंड द सेपरेट इन द रैट विच हार्मोन विल बी डिफिशिएंट इन द ब्लड? ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन बी दिया प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी दिया एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी दिया गैनेटोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका जो होगा राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने एवं भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन आर द सेंटर ऑफ द हंगर एंड सेंसेशन ऑफ द प्लेजर फ्रॉम द फूड लोकेटेड? प्रमस्तिष्क गोलार्ध में बिल्कुल नहीं होता है आपका, अनुमस्तिष्क में भी नहीं होता आपका सेरेब्रम। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कैनाबिस सैटिवा किसका स्रोत है? कैनाबिस सैटिवा इज सोर्स, ऑप्शन ए ओपियम, ऑप्शन बी दिया आरएसडी, ऑप्शन सी दिया मेरी मेरी जुआना, ऑप्शन डी कौन करते हैं? ये आपका राइट आंसर क्या होगा? मेरी जुआना का ये आपका क्या होता है स्रोत होता है। नेक्स्ट, एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष पर उपस्थित होता है, यह बना होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम इज प्रेजेंट ऑन द टैप ऑफ द स्पर्म इज मेड ऑफ, ऑप्शन ए दिया गोल्जी का है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी दिया माइटोकांड्रिया, तो ये आपका बना होता है माइटोकांड्रिया का, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर भाई। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके कुछ 15 क्वेश्चन थे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।